बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर मिलावट खोरों पर त्योहारों के सीजन को देखते हुए शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी। उच्च गुणवत्ता को परखकर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। साथ ही पीसी जोशी ने कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थों जैसे मिठाइयां, मावा, दूध आदि में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है और उसमें हम लोग जो है सैंपलिंग करेंगे और जो यूरिन सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जाँच करे थे, तो उसमें भी हमें जहाँ जो कमियाँ मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई